जय श्री कृष्णा प्रफुल्ल भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। जय श्री कृष्णा, क्या नाम है आपका? मैं हर्षित, हर्षित शर्मा नाम है मेरा। क्या बात है, सेगमेंट का नाम है हर्षित सफलता टॉक, आपकी सफलता की बात करेंगे। है। थैंक यू। अच्छा पहले बताइए, जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं आजकल या जय श्री राम चल रहा है? योगी जी से मिलके आए हम देख रहे हैं। देखो भैया, क्या है, दोनों एक ही तो है, रूप है विष्णु का, क्या फर्क पड़ता है जय श्री बिल्कुल कृष्णा हो या जय बिल्कुल। श्री राम। कैसी रही महाराज जी से मीटिंग, कैसी रही? बहुत अच्छी रही, महाराज जी से मुलाकात अच्छी रही, और महाराज जी से भी ज्यादा, वो एक राज्य को चीफ मिनिस्टर है तो भाई उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मुखिया है उस प्रदेश के, 25 करोड़ जनता के, राज्य के, तो बहुत अच्छी सकारात्मक मुलाकात थी। मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि बहुत लोग, जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि साहब आप आ रहे हैं ऑफिस के लिए, तो कईयों को तो आपका असली नाम ही नहीं पता था कि अच्छा इनका नाम प्रफुल्ल बिल्लोर है, ये MBA चाय वाला है। तो ये जो कमर्शलाइजेशन आपने किया है ना, ये मुझे बड़ा फैंटेसाइज कर रहा है, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी अभी क्या हो रहा है ना, MBA चावला की अगर पूरी जर्नी यात्रा को देखें, अच्छे गौर से देखें अगर आप, तो उसमें पता चले यहाँ दो ब्रांड्स उभर कर आ रहे हैं। एक तो MBA चावला प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी, एक वो ब्रांड बना है, दूसरा एक प्रफुल्ल बिल्लोर है जो कि मैं हूँ फाउंडर इसका, वो भी एक ब्रांड बना है। तो आजकल दो तीन चीजें चल रही है, अब जैसे ट्विटर को देखो आप, तो वहां पर इलॉन मस्क हो गया, टेस्ला को देखो तो इलॉन मस्क एक अपने आप में ब्रांड है, टेस्ला अपने आप में ब्रांड है, करेक्ट। अगर आप बीजेपी को देखो तो बीजेपी कल अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन, और नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक व्यक्तिगत ब्रांड के रूप में उभर के आते हैं। तो अब राइट, एक नया ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया में कि व्यक्ति विशेष की पहचान आजकल कंपनियों के वैल्यूएशन और कंपनियों से ज्यादा होने लगी है, क्योंकि रिलेटेबिलिटी, इमोशनल कनेक्शंस और एक्सेसिबल आइडियल्स बनने के, जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, तो लोग चाहते हैं कि मैं टेस्ला तो शायद नहीं बना सकता, पर मैं इलॉन मस्क बन सकता हूँ, बन सकता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित हूँ, मैं जो भी हूँ नेता है या प्रफुल्ल बिल्लोर से प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं कंपनी खड़ी करूँ ना करूँ, पर इंडिविजुअल व्यक्तित्व मैं ऐसा मैं बन सकता हूँ। दूसरी चीज अभी हो क्या रहा है ना कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश में एक आधार नया आया है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहले बड़े अभिनेता होते थे, नेता होते थे, बड़े कोई सिंगर, गायक, म्यूजिशियंस, कंपोजर होते थे, आज एक छोटा मोटा चाय वाला, एक इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, YouTube चैनल वाले, वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें सिर्फ इक्का दुक्का चार पांच जो ऑलरेडी बहुत सालों से आइकॉन्स आ रहे हैं, जो आइडियल्स आ रहे हैं, उनके अलावा भी हमारे जैसा कोई आइडियल चुनना है जैसा हम बन सकते हैं। तो उस वजह से दो ब्रांड्स यहाँ पर उभर के आ रही है, तो इसमें हमारा बहुत फायदा हुआ, और कहीं ना कहीं हमारे चाय से ज्यादा हम लोग चाय तो बेचते ही नहीं, हम लोग इंस्पिरेशन बेचते हैं, हम देश को एक होप देते हैं, तो हमारी कुछ हम एक कप चाय बेच रहे हैं, कितने की चाय एक कप बिकते हैं? हमारी 20 रुपए की एक चाय होती है, 25 रुपए की होती है, तो हम चाय बेचते ही नहीं। MBA चावला कभी चाय बेचा ही नहीं, MBA चावला ने हमेशा से बातें बेची, MBA चावला ने हमेशा से इंस्पिरेशन बेची, और बेचने की बात नहीं, हम पूरे देश को एक माहौल दे रहे हैं कि भाई आप भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप पहली बार अपना कोई धंधा स्टार्टअप चालू करते हैं, तो आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज, संसाधन नहीं होते, ना पैसा होता है, ना आपके पास नाम होता है, ना आपका परिवार कोई ऐसा वेल टू डू फैमिली से होता है, तो उस टाइम पे जब आप धंधा करते हो ना, तो वो कैसा क्रिकेट के मैदान में नहीं होता कि रन जहां से भी है बटोर लो, आखिर में आपका टोटल कितना हो रहा है, 250-300 कितना ओवर हो, वाइड ना है, करेक्ट। तो MBA चावला की भी है कि जहां से भी सुर्खियां हो, जहां से भी प्यार मिल रहा हो, जितना कस्टमर को हम लोग कनेक्ट कर पा रहे, जितनी ज्यादा आउटलेट खोल पा रहे, वो बटोर लो, वो कैसे भी आए, वो बातों से आए, चाय से आए, टेस्ट से आए, ये इंटरव्यू के माध्यम से भी अब हजारों लाखों लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो वो हमने कोशिश करी एक नया जरिया, क्योंकि पैसा नहीं था ज्यादा, तो इंटरनेट को हमने चुना कि यहाँ बातें बताते, भाई आई एम वेरी गुड स्पीकर, मैं अपना MBA पढ़ाई छोड़ के अपने ज्ञानी बच्चा हूँ, अच्छे विद्यार्थी रहा हूँ, जनता जानता हूँ, देश जानता हूँ, पॉलिटिक्स जानता हूँ, दुनिया को जानता हूँ, फाइनेंस की दुनिया को जानता हूँ, धंधे की दुनिया को जानता हूँ, तो मैंने कोशिश करी कि अपना एक अलग वजूद बनाऊंगा, एक अलग पहचान बनाऊंगा बातों से। तो जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक टर्म आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। अभी हाल ही में मैं विवेक बिंद्रा साहब के साथ आपका इंटरव्यू देख रहा था आने से पहले, तो आपने उसमें बताया कि मेरी स्ट्रेंथ, मैं साहब मानता हूँ कि मार्केटिंग इज माय स्ट्रेंथ। अच्छा, धंधे का एक पुराना असूल रहता था कि यार जब तक मैं अपने कस्टमर से मिल नहीं रहा हूँ, उसकी आंख में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा हूँ, तो धंधा नहीं हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ने उस असूल को चेंज कर दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या आपका थॉट है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? सो अगर आपको लगता है कि आप 1-to-1 टॉक नहीं कर सकते हो जी, अगर आपको लग रहा है कि आप आपका एग्रेसिव काम नहीं कर सकते हो, आपकी मार्केट नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, संसाधन नहीं है, तो डिजिटल मीडिया एक बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात रख सकते हो, और वो बात असेट बनती है, डिजिटल असेट बन जाती है। एक बार जैसे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, अभी जिंदगी भर चलेगा, आने वाले 100 साल 200 साल जब तक इंटरनेट रहेगा ये वीडियो रहेगा, करेक्ट। तो ये आपका एक असेट हो गया, डिजिटल असेट, करेक्ट। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है,
कि आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है, इसका कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं होता है। हाँ, आप एक बार वीडियो बना के छोड़ दो, चलता रहेगा बट इट शुड बी बेस्ट। हाँ करेक्ट। और इसका जो रीच है वो करोड़ों में पहुंच सकता है, अरबों में पहुंच सकता है। मेरे कुछ कुछ वीडियो करोड़ों अरबों लोगों ने देखा। अभी रिचा अनिरुद्ध वाला इंटरव्यू 40 से 45 करोड़ लोगों ने एग्रीगेट करके उसका हमने देखा था। टोटल व्यूअरशिप हमारे यूट्यूब चैनल पे करोड़ों की है। तो ये हमने अपने आप में हमारी दुनिया बना ली, हमने एक हमारा एक देश बना लिया 25-30 करोड़ 40-50 करोड़ लोगों का जो हमारे बारे में जानते हैं। करेक्ट। तो ये अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता तो इतना पैसा अगर आप आज एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, एक्टर हीरोज को लाए, तो वो बोलेंगे 10 करोड़ लोगों को टच करने का 10 करोड़ लगेगा। हाँ। पर आज मुझे आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको पूरे 100 करोड़ लोगों को टच करके बता दूंगा कि कैसे आप हो सकते हैं। इवन फ्री में हो जाऊंगा अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी, अगर आप वायरलिटी वाला कुछ की चीज कर दिया, ऐसी कोई चीज बोल दी जो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, उनको प्रभावित कर रही है, तो आप अपने आप करोड़ों लोगों के बीच में जाने चाहिए। ऑल्सो प्रफुल, मुझे लगता है इस टर्म के आने से या इस ट्रेंड के आने से बिजनेस करना आसान हो गया है, स्टार्टअप कल्चर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है, प्रोवोक हुए हैं लोग, आसानी से स्टार्टअप शुरू कर पा रहे हैं। तो देखो, आपको जिंदगी में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बना के रखती है मार्केट, एक तो पैसा और दूसरा नाम एप्रिसिएशन। बड़े बड़े एथलीट्स आर्टिस्ट को देखो, उनके पास पैसा नहीं होता, उनको अप्रिशिएट कर दो, उनको शील्ड दे दो, उनको प्रमाण पत्र दे दो, तो वो खुश हो जाते हैं। तो वो दो ही चीज जिंदगी में आपको चाहिए, तो नाम या फिर फेम या पैसा। तो दो में से कोई एक चीज आपको बना के रखती है कि आपको आगे लेके पुश करती है कि चलो आगे। जैसे आज ये इंटरव्यू होगा, 25-50 लोग नए देख जुड़ेंगे, तो वहां से अवसर आएगा कि कोई हमारा आउटलेट ओपन करे, हमारा कस्टमर बने, मेरी पॉपुलरिटी बढ़े, मुझे आगे जाके कहीं और बड़ा कुछ करना हो तो उसमें मेरा सहायता प्रदान करे। तो आपका दो चीज में से एक चीज कोई भी अगर आपकी चल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू विल कीप ग्रोइंग। और मैं आपको फिर बता दूं कि नेवर गिव अप, और लॉन्ग टर्म अगर आपको खेलना है तो आपको लोगों का प्यार मिलता है, अगर है थोड़ा पैसा मिलता है, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबल होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। और कॉन्फिडेंस अगर हाई होता है तो आप रुकते नहीं हो, अगर आप रुकते नहीं हो तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, आपका बिजनेस और 5 गुना 10 गुना बढ़ती है। बिल्कुल, रुकते नहीं है। एमबीए चाय वाला के कितने आउटलेट इस वक्त देश में है और आगे का क्या प्लान है? कोई विजन अगले 5 साल का लेके चल रहे हैं, 1 साल का लेके चल रहे हैं, थोड़ा बताइए। 100 आउटलेट्स अभी हैं हमारे इन पूरे इंडिया में। सेंचुरी हो गई है। हाँ, अभी हम लोग इस आउटलेट को 500 तक लेके जाएंगे अगले 3-4 सालों में। और विदेशों में हम लोग नेक्स्ट मंथ या अगस्त सितंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से। फिर मैं, इट्स नॉट अबाउट एमबीए चावल एनीमोर, आई वांट टू क्रिएट 1 मिलियन एमबीए चावल, आई वांट टू क्रिएट लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स। हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप की मैं बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने घर परिवार का एक पहला कोई गाड़ी ले, आईफोन ले, इंटरव्यू करे, बाहर घूमे। करेक्ट। तो अभी लोग मेरी चाय से ज्यादा मुझसे इंस्पायर है, लोग हमारे यहाँ चाय पीने नहीं आते, लोग हमारे, आपको पता है चाय के ठेलों के ऊपर बात क्या होती, पॉलिटिक्स की, बुराई मासी। करेक्ट। आज एमबीए चावल पे स्टार्टअप की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, फैक्टर इकोनॉमी की बात होती है, इकोसिस्टम की बात होती है, कैसे आगे बढ़े, कैसे अच्छा के साथ कोलैबोरेशन करें, कैसे दोस्तों में दोस्ती ना करते हुए बिजनेस पार्टनर बने, कैसे कुछ नया आइडिया ढूंढे, कैसे शुरुआत करें। आप करें, ये बात होती है, लोग एक तरीके से उसको हमारे एमबीए चावलों को एक आइडियल मांगते हैं, मंदिर मानते हैं कि वहां पे माथा टेक दिया तो हमारा भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। आज हमारी चाय पीते पीते आदमी इंस्पिरेशन पीता है, चुस्कियां नहीं लेता, वो चाय की चुस्कियां नहीं लेता, हमारे आदमी इंस्पिरेशन लेने एमबीए चावला पे आता है। तो वी आर चेंजिंग द ट्रेंड द वे वी आर ड्रिंक चाय। चाय इज जस्ट अ प्रोडक्ट, समझ। आपको चरणामत मिलता है, आप कहीं जाओ तो प्रसाद मिलता है, तो चाय एक नया चरणामत है इस देश का, जो पूरे देश को एक जागृति देगा, एक ऐसी यात्रा निकालेगा जहां हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप में बात करता हूँ, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा। पहले कुछ लोग कुछ घर से कुछ और निकाल रहे थे जेएनयू की, यू नो, प्राचीर से, पर आज हमारे आने के बाद हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस, आत्मनिर्भरता, खुद की पहचान, मैं बोलता हूँ 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है पर पहचान नहीं है। आपकी पहचान, हर्षित को हर्षित के नाम से बड़े प्यार से इज्जत के साथ बात की जाए, प्रफुल्ल को इज्जत मिले, रवि हो, निहारिका हो, कन्हैया हो, जो भी वो कुछ भी कर रहे हो, वो चाहे ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, पान वाला हो, पूरी वाला हो, सब्जी वाला हो, आपका न्यूज़पेपर बांटता हो, पानी पूरी वाला हो, कोई बुटीक पे काम करता हो, कोई बड़े शोरूम में नौकरी करता हो, आईटी का डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, अच्छे कपड़े पहने ना पहने, वो जैसी भी जिसी जिस मजबूरी में है, अगर मजदूर है, वो लकड़हारा अगर है, फर्नीचर वाला है, मजदूर, तो उसको एक इज्जत दे। इस देश में डिग्री ऑफ लेबर की बहुत बड़ी इशू है, जो मैं हमेशा, मुझे अच्छा ही लगता है कि कोई बड़े आदमी को कहीं एसी वेसी में होता है तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, शायद वो फ्रॉड हो सकता है बट नहीं, उसको इज्जत देंगे, शायद वो बकवास कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो बड़े बड़े दंगे फसाद कर सकता है तो उसको इज्जत मिलेगी क्योंकि वो एसी में बैठा है, क्योंकि उसने अच्छी शेविंग बना रखी है, उसके पास आईफोन है। बट क्या अगर अच्छे साफ दिल का इंसान जो ईमानदार है वो रिक्शा चला रहा है तो क्या हम उसको इज्जत नहीं देंगे?
तो वो अंतर खत्म करना है, 125 करोड़ लोग अपने साथ सौहार्द के साथ रहे, आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, फैक्ट्री इकोनॉमी बढ़ाए, और एक एक अलग पहचान सबकी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रफुल भाई, आपका ये जो थॉट है ना, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। जब आप ये मुझसे बोल रहे हैं ना इस वक्त, जो आप विजन बता रहे हैं, मुझे ना कहीं एक भविष्य का पॉलिटिशियन उसके अंदर नजर आ रहा है। मुझे नजर आ रहा है अहमदाबाद से निकलने वाला विवेक भैया ने भी ये बात बोली कि अहमदाबाद से निकलने वाला एक और चाय वाला जो अगले 5 साल में क्या इस देश की पॉलिटिक्स में आने वाला है, वो पॉसिबल है क्या? अच्छी बात है, जो कि आपका आइडिया जानना चाह रहा हूँ। तो मूल रूप से मैं मध्य प्रदेश के इंदौर का हूँ, धार जिला करके एक मध्य प्रदेश में, वहां से हूँ मूल रूप से, आई एम नॉट अ बॉर्न गुजराती। दूसरी चीज देखो, बिना राजनीति के राजनीति में जाए भी आप बदलाव ला सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको राजनीति में जाना जरूरी। तीसरा, अगर राजनीति में जाने का अवसर मिला, राजनीति में जाने का मौका मिला और अच्छी जगह कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ हमारी जितना पोटेंशियल है, जितनी हमारी एबिलिटी है, उससे ज्यादा हम लोग मेहनत करके देश का भला अगर कर सकते, तो राजनीति भी बुरी नहीं है। और बिल्कुल, मैं फिर से बता दूं कि अब आदमी जो IIT में पढ़ लेता है, IIM पढ़ लेता है, अच्छी नौकरी लग जाती है, तो उसको राजनीति बुरी लगने लग जाती है, उसको देश की बातें करना बुरी लगने लग जाती है, वो धर्म से दूर भागता है, समाज के कर्मों से दूर भागता है। पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे हमेशा से अपने धर्म, कर्म, समाज और इनको सबको लेकर चलने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सफलता किसी काम की नहीं जब आपका धर्म ना बचे, वो सफलता किसी काम की नहीं जब आप अपने समाज में, अपने देश में भारतीयता की जो गौरव है, भारतीय होने का जो गौरव आपको हासिल होता है, उस पर अगर आपको कहीं शक महसूस होने लगे, करेक्ट, आप अपनी देश की मेरे, करेक्ट, आप अपनी जड़ भूलने लगे, वो सफलता किसी काम की नहीं। आप किसी भी धर्म को उठा के देखिए पूरी दुनिया में, आप क्रिश्चियंस को देखिए, क्रिश्चियंस टॉप बिलियनर देखो या नीचे, वो कोई मजदूरी का काम कर रहा है, ही इज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट हिज रिलीजन, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट गॉड, लॉर्ड, ये वो, राइट। इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपने भगवान का नाम लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको उनके नमाज पढ़ने जाते हैं, वो आदर सम्मान करते हैं। बट सिर्फ एक हमारे धर्म में, बाकी हमारे हिंदू धर्म में थोड़ा रहता है कि जब आदमी थोड़ा पढ़ लिख जाता है, ACSC में बैठ जाता है, शेविंग बना लेता है, बढ़िया शोरूम वोरूम जाने लग जाता है, आईफोन खरीद लेता है, तो उसको धर्म से भागता है, वो संस्कृति से दूर भागता है, हम लोग होने लगते हैं ये। तो वो मुझे बुरा लगता है, वो मुझे बुरा लगता है। तो स्पिरिचुअलिटी की अब आपने बात की है, तो दो ना बड़े सवाल मेरे मन में इस वक्त आ रहे हैं। जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं, तो दो सबसे बड़े कैरेक्टर इस देश ने देखे, एक भगवान श्री कृष्ण माध्यम से हमको बता के गए कि आपको जीवन कैसे जीना है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप थके हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं, I'm not tired, please continue. तो दो कैरेक्टर की मैंने बात करी, एक भगवान श्री कृष्ण और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देवदत्त पटनायक साहब की एक किताब है, उस किताब में ना दोनों को कंपेयर किया गया है, भगवान श्री कृष्ण का धर्म क्या कहता है, भगवान श्री राम का धर्म क्या कहता है। कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि साहब आपको इस जीवन के एग्जिस्टेंस को समझकर, सच्चाई को जानकर कि आत्मा क्या है, तब काम करना है। राम आपको परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, कृष्ण परफेक्शन की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, रियलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप कौन सी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी यूथ को आप सिखाना चाहेंगे, कौन सा ज्यादा सही है? देखो दोनों चीज बहुत जरूरी है। देखो मैं कृष्ण की आपको सीख बताता हूँ, कृष्ण बोलते हैं कि काम कर फल की चिंता मत कर। कृष्ण आपको सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण होकर भी वो रथ चला रहे, वो सारथी बनते हैं, समझ रहे, उनको तो रथ चलाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तीसरा, वो खुद युद्ध नहीं लड़ रहे, वो किसी और को लड़ने में मदद कर रहे हैं, उसको जितवा रहे हैं, वो उनकी साइड है, समझ रहे, धर्म कर्म की साइड है। चौथी चीज, कृष्ण सिखाते हैं कि आप प्यार से, मोहब्बत से भी जीत सकते हो, आप अच्छे साथ भी जीत सकते हो, करेक्ट। आप एक तरफ राम जी की बात करो तो राम जी तो बिल्कुल ही पिक्चर में ही थे लड़ाई झगड़े के, उनको तो करना ही नहीं था कुछ काम, भैया रावण आए सीता जी को ले गए, तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ लेके अपनी पत्नी को उन्होंने बिल्कुल 14 साल का वनवास के लिए जिसलिए निकले थे, अपनी ताजपोशी छोड़ के वो बंदे को कल, जैसे आजकल तो सरकारी भी आपके महाराष्ट्र में गिर रही है, ऊपर नीचे आ रही है, तो रातों रात होने के बावजूद उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार और 14 साल के वनवास के लिए चले गए, अपना पूरा अयोध्या के राजा बनने वाले थे, और उसके बावजूद उन्होंने बेर खाए भैया, उन्होंने वो जिंदगी जी, तो वही ना कंफर्ट जोन से हटके वो तो वो रोड पे आ गए, तो वो भी उन्होंने स्वीकारा। पर अगर वो 14 साल का वनवास नहीं होता तो वो राम सिर्फ अयोध्या के राजा होते, 14 साल के वनवास ने उनको भगवान राम बनाया ना, वो संघर्ष ने बनाया, वो तप तपस्या ने बनाया, वो कर्म ने बनाया। फिर यहाँ पे और राम से क्या सीख सकते हो कि भाई को लेके चलना, आजकल में हम लोग भाई भाई को नहीं पहचान रहे, भाई के संदर्भ, भाई को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। मेरा विवेक बिल्लौर आज एमबीए चावला का सबसे बड़ा, विवेक बिल्लौरे मतलब मैं इससे ज्यादा काम वो करता है, मैं आई एम द फेस ऑफ द कंपनी, ही इज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। तो हम दोनों भाई ने वो सामर्थ्य समझा है। और अब यहाँ पे पहले हनुमान जी ने उनकी मदद करी भैया रावण से जीतने के लिए, तो उससे पहले क्या किया,
भैया रावण रावण से तो बाद में लड़ाई हुई, पहले उन्होंने बाली को मारा हनुमान जी के मतलब सुग्रीव के वहां पे, सुग्रीव ने जब उनको मदद करी, तो पहले आपको किसी से मदद अगर लेनी है तो पहले उनका भला करना पड़ता है, कर भला तो हो भला। ये बहुत सारी चीजें आप रामायण से भी सीख सकते हो, और जिंदगी में श्री कृष्ण का भी ज्ञान आपको काम आएगा, राम का भी ज्ञान काम आएगा, क्योंकि जिंदगी में आपके पास रावण भी है और कंस भी है, तो जब आपको लगे कि रावण आ रहा है तो राम बन जाइए, जब कंस आ रहा है तो कृष्ण बन जाइए। चलिए प्रफुल्ल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा सीरियस नोट पे सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपको लगता है कि देश में इस वक्त अंडर एम्प्लॉयमेंट का माहौल है? उसके बाद मैं इस कॉन्वर्सेशन को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे ले जाऊंगा आपके थ्रू। देखो एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी पे बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसने वो ब्राह्मण फैमिली से, हम लोग वो बड़ा संस्कृत सीखता था, सारी चीज करता था। उसने एक बार बोला गूगल शीट मेरे ही भर दे। मैंने कहा 5 से 10 मिनट लगेगा, तू गूगल शीट चलाना सीख जा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा तू फॉर्मूले सीख जा, तू मेरे पे क्यों निर्भर है। मैंने उसको 1 घंटे में सिखाया और उसने खुद ने यूट्यूब से सीख लिया। आज जिंदगी भर वो फॉर्मूलेस वही रहेंगे। आपको कोई स्किल सीखना सिर्फ 1 दिन का होता है, 1 घंटे का होता है, 1 महीने का होता है, वो आपके साथ जिंदगी भर होती है। पर लोगों को, हमारे युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि स्किल सीख के खत्म करो और उसको यूज करके पैसे कमाओ, वो सीखना नहीं चाहते। दूसरा, अपने मन का करना हो भाई, अगर आपको कि हम तो यही बनेंगे, IAS ही बनेंगे, तो फिर लगना पड़ेगा, 5-7-8 साल की मेहनत करना पड़ेगी। अभी वो क्या रहा है ना, लोग चेरी पिकिंग कर रहे हैं कि मैं चाय का ठेला नहीं लगूंगा, पर मैं ये करूंगा, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं AC में ही काम करूंगा, मैं धूप में नहीं जाऊंगा। तो जिंदगी परफेक्शन नहीं हो सकती। एम्प्लॉयमेंट का मतलब, रोजगार का मतलब कर्म करना है। आप किसी भी परिवेश में हो, आप कहीं भी हो, आपको काम करना पड़ेगा। कभी कभी मन का काम होगा, कभी कभी मन का काम नहीं होगा, आप समझ रहे हो। मुझे आप इंटरव्यू साथ, मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उसी ऊर्जा के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने विवेक पिंद्रा जी, आशा किया, संदीप माहेश्वरी या रिचा निरुद्ध के साथ, क्योंकि हर जगह का प्लेटफॉर्म अपने आप में एक वैल्यूएबल है। आप किसी को छोटा मोटा कौन समझो ना, काम को मत समझो। तो मैं फिर से ही बोलता हूँ, लोगों को चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी में आपके मन का काम नहीं होता है। कभी कभी मजबूरियां होती है, आपको जो काम मिल जाए उसको काम चालू कर दीजिए, और आप कोई परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जगह, परफेक्ट समय, परफेक्ट पैसा, परफेक्ट प्लेस, इस भरोसे अगर बैठ रहे हो तो जिंदगी में आप किसी और के भरोसे मत बैठो, आपका ठीकरा फूट जाएगा। आप समझ रहे हो, आप ऐसे हवाई किले मत बनो। ऐसा शुरू करिए, आगे उसके बाद क्या कहानी बनती है उसका कुछ आप नहीं कह सकते, है ना? आप कैसा रात में जाते हो, आपकी गाड़ी की लाइट चलती है, 100 मीटर 200 मीटर तक उसका उजाला होता है, उसके आगे अंधेरा होता है, पर जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो लाइट भी आगे बढ़ती जाती है ना जिंदगी में। तो ये लाइफ है, एक बार आप चालू कर दीजिए, जहां तक जगह दिख रही है, जहां तक लग रहा है वहां तक तो चलिए, फिर वहां से कुछ ना कुछ राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे, कहीं तो कोई जगह मिल जाएगी, रास्ता निकलते हैं। प्रफुल्ल भाई, आपने कहा हर देश में, इस देश में लगभग हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकालना चाहता हूं, जो कि बहुत अच्छा विजन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी विजन पे काफी हद तक काम करते हैं। जब हम इस विजन पे चल रहे होंगे तो मैं सीधा सीधा कैपिटलिज्म की राह पर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज को दे रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि हम इस देश को उस तरीके से फिर से रीडेवलप कर सकते हैं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, कि कैपिटलिज्म सक्सेसफुल हो सकता है आने वाले टाइम में? देखो, देश की अगर तरक्की करनी है, आप समझो चाइना को देखो, पूरा कैपिटल, वो कैपिटलिस्ट नहीं है, पर उनकी तरक्की कैपिटलिस्ट वैसे ही हुई, बिना पैसा कमाए, बिना मेहनत किए आप तरक्की नहीं कर सकते। आप टैक्सेस से भरोगे, जब जाके सरकार काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, अमीरों से लेके गरीबों में बांटेगी, मध्यम वर्गी को और अच्छा बेहतर बनाएगी, करेक्ट, ज्यादा टैक्सेशन होंगे, GST होगी, तो लाख आदमी संभाल पूछता, आज आदमी कमाता नहीं है, वो एक शराब की बोतल में अपने वोट की कीमत लगा लेता है, तो उसके पास हक नहीं होता कि सरकार से पूछे कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट। आज मैं लाखों का करोड़ों का टैक्स भरता हूं, तो मैं सरकार को 4 सवाल पूछता हूं, उनको ज्ञान देता हूं, सरकार पूछती है कि भाई हम क्या करें, सरकार की इस क्षेत्र में क्या करें, दिल्ली में क्या करें, भोपाल में क्या करें, करेक्ट, मेरे पास हक है, मेरे पास एक ऐसा, आप समझो कैपिटलिस्ट के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। आप अमेरिका को देख लो, आप कोई भी देश को देख लो, और हम सबको ये समझने की जरूरत है, कैपिटलिज्म का ये मतलब नहीं होता कि अमीर आप गरीब को लूट रहा है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि आप मेहनत कर रहे हो। आज हमने भी यार थोड़ा बहुत पैसा कमाया, इसका ये मतलब है हमने 10-7-8 साल मेहनत करी है, हम लोग फ्री नहीं बैठे, हम लोग चाय के ठेलों पे जाके किसी की मजाक नहीं उड़ाते, हम किसी की बुराई नहीं करते, आप समझ रहे, हम कोई क्राइम नहीं करते। आप बिजनेसमैन बनना क्या होता है, बिजनेसमैन बनना एक अच्छा इंसान बनना भी होता है, हम व्यवहारिक होते हैं, हमें ईगो नहीं होता, हम सबको लेकर चलते हैं, आप समझ रहे हो। तो एक कैपिटलिस्ट आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग भी बनाता है, कैपिटलिस्ट से ही तरक्की हो सकती है। और एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा रूल है कि कोई अगर आप मजदूर को मजदूरी, आपके पास काम नहीं, अगर उसके लिए उसको बोलो खड्डा खोदे, उस खड्डे को खोदे, फिर उसी मिट्टी से वापस उस खड्डे को बोर दे, उसको वापस भर दे, और फिर उसको पैसा दो,
आज देश में बिना काम के अगर किसी को आप पैसा दे रहे हो तो आप उनको निर्भर बना रहे हो, आपके ऊपर आप उनको लाचार बना रहे हो, उनको बेसहारा बना रहे हो, वो बहुत गलत मैसेज आ रहा है जी। प्रफुल्ल, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उसमें काफी लोग यंग होंगे, 25 की उम्र के आसपास होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी नहीं पता आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या करूं बॉस अपने जीवन में, क्या कहना चाहेंगे उनको? जिंदगी में इतना जल्दी समझ नहीं आता है, अब आज हमको भी समझ नहीं आया, हमारी तरक्की है इट्स ओके, क्योंकि ये 7-8-10 साल की मेहनत है। आज हमको भी कंफ्यूजन है कि हम बिजनेस बड़ा बने करें कि पॉलिटिक्स में जाए कि और क्या नया धंधा चालू करें, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे, कंफ्यूजन हर किसी को, प्रधानमंत्री को भी कंफ्यूजन है कि किसकी रैली में जाओ और किस नेता को टिकट दूं किसको ना दूं। तो जिंदगी में कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे, बट आप उसको बैठ के आपके देखो आपके आपकी दुखद कहानी कोई भी नहीं सुनेगा। बिल्कुल, आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके संघर्ष की कहानियों पे लोग तालियां बजाएंगे, उसके पहले आपकी कोई कहानी नहीं सुनेगा। तो लोगों को अपने ठीकरे सुनाना बंद करो, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाना बंद करो, स्टार्ट वर्किंग टू बी ऑनेस्ट, बी प्रैक्टिकल इन दिस। क्योंकि आपके माँ बाप के सपने, अब आपके माँ बाप के जो पैसे खर्च करके आपको इतनी शिक्षा दी गई, इतना मोबाइल फोन दिया गया, आईफोन दिया गया, इतना अच्छा घर परिवार दिया, इतने बड़े बड़े कॉलेजों में आपको एडमिशन दी, इट्स टाइम टू रिटर्न दैट बैक एंड गिव देम अ बैक गुड रिटर्न विद नॉट जस्ट मनी, जस्ट विद गुड रिलेशनशिप एज वेल। और स्किल्स पे सीखने पे ज्यादा फोकस करो, और अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ऐसे ग्राफिक डिजाइनर बनो कि आप महीने का अपना 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाओ। बिल्कुल, बड़े बड़े लोग हैं, आज हमारी 15-17 लोगों की टीम है सोशल मीडिया की, इंडिविजुअल मेरी, तो हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और टोटल 100 से ज्यादा लोगों का इन हाउस कंपनी में और सारे आउटलेट्स में लगे 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो आप भी अपनी कहानी बना सकते हो, ट्राई टू डिलीवर मोर। अगर आपको 100 रुपए कोई दे रहा है तो आप 1000 रुपए का काम करो, अगर 1000 रुपए की कोई आपकी आपकी वैल्यू लगा के रखा है सैलरी अगर आपको 10,000 है तो आप 1 लाख का काम करो आज, नहीं तो कल कभी भी ना कभी रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा जिंदगी में। तो उस टाइम जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, मेहनत डबल कीजिए, मेहनत 4 गुना कर दीजिए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए और थोड़ा मनी माइंडेड मत होइए, थोड़ा लंबी रेस का घोड़ा बनिए। जी, एक आखिरी सवाल, बड़ा जरूरी सवाल, शेरवानी पहने कम नजर आ रहे हैं प्रफुल्ल बिल्लर? पता नहीं, भगवान आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो बहुत जल्दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।